इंडियन प्रीमियर लीग में हर साल एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है और रिपोर्ट्स की माने तो बीसीसीआई इस दफा एक नई टेक्नोलॉजी व्यूअर्स के सामने पेश करने वाले हैं, जिससे व्यूअर्स का गेम को देखने का नजरिया पूरी तरीके से बदल सकता है। दरअसल इस दफा आईपीएल में बल्लेबाज हेलमेट्स पर कैमरा पहनकर मैदान में उतरेंगे। हेलकैम्स टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से फैंस और व्यूअर्स पिच पर होने वाले एक्शन को अपने टेलीविजन और मोबाइल डिवाइस पर बड़ी करीब से देख सकेंगे। बल्लेबाज के हेलमेट्स पर लगे इस कैमरा का वजन 100 ग्राम से भी कम होता है और बल्लेबाज को अपनी हेड मूवमेंट्स और फोकस करने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इंडियन प्रीमियर लीग में स्पाइडर कैमरास, ड्रोन कैमरास, एम्पायर कैमरास और ग्लोइंग स्टम्प जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है और हेलमेट्स कैमरा के रूप में एक और महंगी तकनीक आईपीएल में जुड़ सकती है। दरअसल हेलकैम्स टेक्नोलॉजी साल 2012 में बिग बैश लीग में इस्तेमाल की गई थी। ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज शेन वॉटसन ने हॉबर्ट सरिकन के खिलाफ दिसंबर 2012 में अपने हेलमेट पर कैमरा लगाकर पहली बार बल्लेबाजी की थी। बिग बैश लीग में पहले भी ऐसी कई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ जिसे बाद में इंडियन प्रीमियर लीग ने अपनाया। इससे पहले एम्पायर्स कैमरा और ग्लोइंग स्टम्प्स का इस्तेमाल भी बिग बैश लीग में हुआ। साल 2014 में एम्पायर कैमरास और 2016 में ग्लोइंग स्टम्प टेक्नोलॉजीज को इंडियन प्रीमियर लीग ने भी अपना लिया। आईपीएल 2017 में हेलमेट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए बीसीसीआई ने आईपीएल फ्रेंचाइज के सामने अपने प्रस्ताव रखे हैं। अब क्या आईपीएल टीम्स इस पर राजी होंगी, ये तो आगे देखने वाली बात ही होंगी। क्या आप हेलमेट टेक्नोलॉजीज को आईपीएल 2017 में देखना चाहेंगे? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियोस के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।